हम बात करेंगे भागुदास की डायरी को लेकर। एक लड़का जिसको उसके पिता ने छोड़ा, जिसको उसकी माँ ने छोड़ा, और वो पूरी तमाम यात्राएं करके इस किताब को, किताब की पांडुलिपि लिखता है, कहीं दर्ज करता है, और उसके बाद जो हमारे पिथौरागढ़ के प्रधानाचार्य हैं उनको चिट्ठियां लिखता है, और फिर वो पांडुलिपि पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हुए आपके पास पहुँचती है, प्रभात जी के पास, और प्रभात जी उसको पढ़ते हैं, उसको कहीं इकट्ठा करते हैं, उसमें जो बेतरतीब से चीजें हैं उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ पन्ने इधर उधर हो गए हैं तो उसको कहीं क्रम से करते हैं, तो बहुत पता नहीं क्या क्या हुआ होगा इनके साथ, तो वो सारी तमाम चीजें इस किताब में दिखाई देती हैं। मजेदार बात यह है कि वो बिहार का फागुदास लड़ा को लड़ा कहता है, परा कहता है, इस तरह की इसमें इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, पब्लिशर ने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो जब आप इसे पढ़ते हैं तो एक अलग तरह का आनंद, और एक उस लोक में जिस लोक का वो व्यक्ति है जो कई क्षेत्रों से गुजरता हुआ बात करता है उसको महसूस करते हैं। तो ये डायरी की जो बात है, और उसके बाद अब अगर हम बहुत ज्यादा इतिहास में जाने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस डायरी के बहाने हम इस किताब पर बात करें कि इस किताब को हम क्यों देखें, क्यों टटोलें, क्यों महसूस करें, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं ये भी चाहूँगा कि हम इसकी किताब के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा इसके जो साहित्यिक सरोकार हैं, जैसा कि हम इसे सब लोग जानते हैं कि डायरी में मैंने क्या खाया, मैंने क्या किया, मैं कब उठा, मैं कब सोया, इससे कुछ चीज़ें हटके जो दिखाई देती हैं उन्हीं डायरियों को ज़्यादातर छापा जाता है, लेकिन ये क्या उन सारी किताबों से अलग कैसे है जिसको यहाँ छापा गया है, जिसको इसको प्रकाशित किया गया है। अब ये जो फागुदास है इसका पता नहीं है ये कहाँ है, आज की तारीख में ये लेखक कहाँ है किसी को नहीं पता, पता है क्या? नहीं पता। इसका जो लेखक है वो उसको शायद ये पता भी ना हो कि उसकी किताब छप गई है, और ये भी संभव है कि वो शायद इस दुनिया में भी ना हो। तो इस तरह के काम क्यों किए गए हैं, इसमें क्या सरोकार है, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ, और क्योंकि परिचय में हम ज्यादा समय इसलिए भी नहीं लेंगे कि जब हम बात शुरू करेंगे तो अपना परिचय भी दे देंगे, और हम सब लोग जानते हैं उस समय को बचाते हुए हम अगर इस पर ज्यादा बात कर लेंगे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि तो डायरी में, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग पिछले साल आए तो उनके अंदर भी आए कि मेरी भी किताब हो जाए, तो इसी एक साल में उनकी किताब भी आ गई। आप में से भी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे अरे अगले साल मेरी भी किताब आ जाए, उसका भी विमोचन हो जाए, तो एक दिशा सी भी मिलेगी कि किताब में क्या, कौन से, किस विधा में हम किताब लिखें या क्या करें। तो उधर से पांडे जी हंस रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या डायरी में ऐसा क्या 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 होता है ऐसा जो हमको एक पाठक के तौर पर आकर्षित करता है। मैं खुराना जी से निवेदन करूंगा कि इस सवाल से हम शुरू करते हैं कि ये जो डायरी के तौर पर आने वाली किताबें हैं, या फागुदास की डायरी उनके पास भी पहुंची है, उन्होंने भी उसको पढ़ा है, वो भी अपने इस नजरिए को यहाँ पर रखना चाहेंगे, लेकिन यहाँ से एक शुरू करते हैं कि ऐसी क्या चीजें होती हैं डायरी में जो कोई भी लेखक अगर डायरी विधा में ना लिखे तो वो वहां नहीं मिलेगा, वो आपकी इस डायरी विधा में ही मिलता, जो और किसी भी विधा में, बहुत सारे कहानीकार हैं, बहुत सारे कवि हैं, लेकिन डायरी के लेखक बहुत कम हैं। तो वो क्या रिस्क है या कुछ अजूबा है या कुछ अलग है, अलगा है, उससे शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा कुछ डायरी के माध्यम से कही जाती है, जो अभिव्यक्ति है बिल्कुल सच्ची अभिव्यक्ति होती है। डायरी में हम झूठ नहीं कह सकते, हालांकि कहने वाले कह भी जाते हैं पर बड़ा मुश्किल। मैं प्रभात जी से भी जानना चाहूंगा कि उनकी जो और पहले की किताबें आई हैं और राजनीति में बड़ा अच्छा दखल वो रखते हैं, साहित्य और सांस्कृतिक में, तो उन्होंने इसको, इसका संचयन और इसका संपादन करने का जो निर्णय लिया, तो क्यों उन्होंने इसको क्यों लिया? हो सकता है इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के पास प्रधानाचार्य महोदय ने सुझाव दिया होगा कि यार इसे छपवा दो कहीं, तो प्रभात जी से जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये बड़ा रिस्क सा लगता है, बड़ा जोखिम सा काम था, आपने उस पर बड़ी मेहनत की, तो क्यों, आखिर क्यों इस दिशा में आप आए प्रभात जी? ना वो तो यह है कि मैं जिंदा क्यों हूँ, ऐसा ही वाला सवाल है वो। जिंदा रहने के लिए मैंने इसको किया है, क्योंकि मिला तो मैंने कर लिया, बाकी तो विमोचन ऐसा होता है कि आपने यहाँ पर रखा
ऐसा लगता है जैसे हम क्रिमिनल हैं, वो नहीं लगता और पुलिस वाले उसी तरह से यूँ रखे रहते हैं तब होते। असल में कोई भी चीज़ लिखी आती है तो अंदर कुछ है, तो जब मैं वहाँ पर था पिथौरागढ़ के अंदर तब मैंने वहाँ पर ऐसी बिखरी भी उनको देखी। पितामह जब पंजी थे तो उनके पास गया, मैंने कहा ये तो बड़ी गजब की चीज़ है, तो मैंने लाया और उसको फिर मैंने लिखना शुरू किया। और तब मुझे पता चला कि फागू दास एक बिहार का रहने वाला और जिसने जिंदगी में पढ़ा भी नहीं, इतने सारी अवमाननाएं झेली, उसने इतना गजब कैसे लिख दिया। वो राहुल सांगत्यान भी था, वो कबीर भी था, संत भी था, जेब कथा भी था, सब कुछ था, लेकिन कुछ भी नहीं। वो उसी तरह था जिस तरह यहाँ पर बैलून उड़े गए, तो कुछ बैलून तो आकाश में उड़ गए, कुछ बैलून इसी में अटक गए, इसी पेड़ में अटक गए, इसी तरह का वो आदमी था। तभी आया और हमने देखा बाकी तो परवीन भट्टी हैं, उन्होंने सबको टोपियाँ बनाई। वो टोपियाँ इसलिए बनाई कि भैया आप जितना तुमने ज्ञान बगा लिया बगा लो, आपको बंद करके अपने घर जाओ, पैसा दो। ज्ञान की बहुत बातें हो चुकी है, हम अज्ञान की बातें करेंगे। अज्ञान क्या है? और ये अज्ञानी था जिसने फागू दास को बनाया।